गया तो बोलो फिर से, जब भी कुछ भी कर देना दो दो सेकंड कर देना ठीक है। इसको 15 सेकंड टोटल मिला के कर देगा ना। नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने कुछ नया आइडिया लेकर आए हैं और कुछ नया चीज बताने का प्रयास कर रहे हैं। जो हमारे पास जो नया नया टॉय हमेशा आते रहती है और हमेशा चेंज करते रहते हैं टॉय, क्योंकि मार्केट हमेशा कुछ न कुछ नया चीज खोजते रहता है। आप भी खोजते रहते हैं, जब भी आप मार्केट में जाते हैं कुछ खोजते हैं, नया चीज करते रहते हैं। जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं तो नया चीज खाने का प्लान बनता है कि आज नया चीज खाएंगे, आज ये खाएंगे, कल वो खाएंगे। तो बच्चा लोग का भी माइंड में यही चीज चलते रहता है कि आज जो टॉय खरीद चुके हैं अब बच्चों लोग का चाहिए कुछ नया टॉय, क्योंकि टॉय वाला जो मार्केट है हमेशा चेंज करके दीजिएगा ना, तो हमेशा मार्केट में आपका चलते रहेगा। अगर एक टॉय बार बार देते रहिएगा तो बच्चों लोग अनसा जाएगा एक के बार में, ठीक है। एक बार टॉय खरीदेगा, खरीद के घर में कितना जमा करेगा, खाने वाला तो प्रोडक्ट है नहीं। तो उसी प्रकार से देखिए ये नया टॉय हमेशा मार्केट में आपको नया नया देना है। और ये देखिए कि फिरकी है, ये 5 रुपये बिक्री का है, फिरकी जबरदस्त है। आप इसको चाहिएगा तो बच्चों लोग खेल भी सकते हैं और प्लस में खा भी सकते हैं। इसमें देखिए क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। इसको यहाँ से खोलने का ऑप्शन दिया गया। इसमें क्या करना है, सबसे पहले इस प्रकार से सोप ले लेना है और सोप लेकर यहाँ पर थोड़ा सा फिल कर देना है और फिल करके यहाँ पर इस प्रकार से इसको लगा देना है, ठीक है। अब देखिए इसमें खाने वाला बच्चा लोग का सोप हो चुका है और इसमें सोप डाल के भी घुमा के दिखाते हैं, देखिए घूम रहा सारा चीज, ठीक है। तो इस प्रकार का टोटल पैकेट आपको बनाना है, इस प्रकार से एक डब्बा में या पैकेट में 20 पीस का, 24 पीस का, 30 पीस का पैकेट बनाना है और मार्केट में सेल करना है। ये सब जो प्रोडक्ट है आपको 2 रुपया से लेकर 2.80 रुपया तक एवरेज बोला जाए तो 2.50 रुपया में माल आपका तैयार होगा। ये 2.50 रुपया 55 पैसा तक तैयार हो जाता, क्यों, कारण क्या है कि इसमें देखिए सब टॉय के रेट अलग अलग है, ठीक है। कोई टॉय जो होगा जो 2 रुपया में तैयार होगा, कुछ टॉय जो होगा 2.80 रुपया में तैयार होगा, मतलब सारे टॉय का रेट अलग अलग है। जो हमारे यहाँ जो अवेलेबल होती है अधिकांश 2 रुपया से लेकर 2.80 रुपया तक तैयार होती है। जो एवरेज बोला जाए जो मार्केट में चलती है, जो हमेशा जिसका रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहता है वो 2.50 रुपया तक माल रेडी होती है, ठीक है। देखिए ये जो सोप है आप जो देख रहे हैं, ये आधा केजी में 140 पीस में फिल करना है, आधा केजी में 140 पीस फिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको वही एवरेज अगर माल देते हैं तो आपका टोटल 2.50 रुपया में माल तैयार होगा, कोई भी टॉय हो जिसमें मान लीजिए स्पेस ज़्यादा हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास देखिए एप्पल है, तो ये एप्पल में स्पेस ज़्यादा है, अगर पूरा का पूरा अगर इसमें सोप भर कर दीजिएगा तो आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि देखिए आप टॉय बेच रहे हैं ना कि सोप। सोप तो बच्चों लोग का मनोरंजन के लिए दे रहे, तो इसमें सिर्फ उतना ही देना है सोप जो बच्चों लोग झुनझुना की तरह बजे, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा भर दीजिए, इनको जानकारी नहीं होता ले जाता है पूरा के पूरा सोप भर देते हैं, पता चलता है कि 10 डब्बा में 1 केजी चला गया। तो आपको सिर्फ एक नॉर्मल देना है, एक एवरेज बैठा लेना कि हमको इतना माल देना है, मतलब आधा केजी में 144 पीस टॉय में आपको फिल करना है, तो आपका माल 2.50 रुपये में तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम कैसे अभी पैकिंग करेंगे वो बताएंगे, ठीक है। ऐसे हमारे यहाँ देखिए पेप्सी वाला जो नोजल मशीन बन रही है, ठीक है, ये सारा इस प्रकार से आप खरीद सकते हैं, गर्मी वाला मौसम भी कर सकते हैं। बगल में देख रहे कि रोस्टर मशीन है, रोस्टर मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना है, इस प्रकार का डब्बा भी मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले अभी बताएंगे कि जो इसका पैकिंग करेंगे कैसे करेंगे। देखिए इस प्रकार का जार भी ले सकते हैं या इस प्रकार का पन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहिएगा तो टोकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इस प्रकार का हमारे यहाँ जाली टोकरी होती है, ठीक है, जो बहुत सस्ता मिलती है, लगभग 3 रुपये तक मार्केट में आ जाती है, यह हमारे यहाँ भी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये क्या करना है, इस प्रकार से सबसे पहले आपको एक जार ले लेना है और इस जार में क्या करना है, सबसे पहले इस प्रकार का जितना भी टॉय होगा उसमें क्या करना है, पारा पारी करके आपको एक टोटल का टोटल फिल करना है। देखिए सबसे पहले इसको खोल लेते हैं, ठीक है। इसको क्या करना है, सबसे पहले निकालना है और इसको खोलना है और सोप इस प्रकार से लेना और डाल देना है, ठीक है। और इसको क्या करना है, यहाँ से ढक्कन लगा के एक बार इस प्रकार से कर देना है, ये देखिए लग चुका है। इसी प्रकार से आपको बार बार करते जाना है, हर कलर का जितना भी कलर को होगा आपको क्या करना है, ये डिब्बा में मिलाकर देना है, इस प्रकार से सोप लेना है बस
और इसमें फिलिंग के लिए खाली इतना ऐसे डाल देना है, एक बार इस कर देना, देखिए टोटल आसान तरीका से लग जा रहा है। तो हम बताएंगे कि देखो इसको किस प्रकार से फिल करना है, तो आपको इस प्रकार से क्या करना है, सबसे पहले इस 24 पीस को पहले फिल करना है, जो हम अभी हम फिल कर रहे हैं। देखिए हम प्रोडक्ट को बनाकर फिल करके धरे हुए हैं, अब इसको क्या करना है, इस जार में सिर्फ फिल करना है। ये क्या करेंगे, ये टोकन है, एक टोकन का इस्तेमाल करेंगे, आप अपना ब्रांड का टोकन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपना छपा कर। इसको सबसे पहले क्या करना है, इसको अंदर में डाल देना है, इस प्रकार से आप डाल दीजिए, जहां पर भी डालना है देखने में लुक अच्छा लगेगा। और इसको क्या करना है, अंदर में देखो टोटल 24 पीस है, 2, 2, 4, 2, 6, 8, 4, 24, ठीक है, टोटल 24 पीस है। इसको यहाँ से आपको फिल करना है सबसे पहले, देखिए टोटल का टोटल इसमें 24 पीस अड़ चुका है और इसको देखने में कितना ग्लेजिंग लग रहा है। तो आप इसी प्रकार से इसमें डालिएगा और ये जार जब दीजिएगा मार्केट में तो आपका वैल्यू बढ़ जाएगा। देखो जार देने से क्या होता है, थोड़ा सा 10 रुपये कॉस्ट भाग जाता है, ठीक है। अगर जार में नहीं देते तो जो कॉस्ट है जार का डब्बा का दाम मान लीजिए 12 रुपया, 24 पीस दिए, ठीक है, तो 50 पैसे तो मान लीजिए भाग गया डब्बा। जो 2.5 में तैयार हो रहा है तो आप कितना में तैयार होगा, 3 में तैयार होगा। आप इसको मार्केट में कितना में दीजिए, 3.5 में दीजिए, 3.25 में दीजिए, अगला 4 में छोड़ देगा, फिर भी गांव बस्ती दुकानदार को 1 रुपया पीस पर बचेगा। तो आप इस प्रकार से अपना जार बनाकर मार्केट में सेल कर सकते हैं, ठीक है। ये जार का दाम सिर्फ ज़्यादा महंगा नहीं है, आप अगर लोकल में देखिएगा तो आपके यहाँ भी मिल जाएगा, या हमारे यहाँ से अगर मान लीजिए अगर सुविधा है वैसा, ठीक है। क्योंकि देखिए जार भेजने में क्या होता है, कॉस्ट भाग जाता ज़्यादा। ये जार हमारे यहाँ 12 रुपये डब्बा है, आप ज़्यादा दूर मंगाइएगा तो हो जाएगा महंगा। तो आपका जो नज़दीकी शहर है हर जगह अवेलेबल में होता है, तो जार वहाँ से ले सकते हैं, या फिर हमारे यहाँ से 100, 150, 200 किलोमीटर तक अगर रेंज में कोई रहते तो जार ले सकते हैं। उसमें मान लीजिए एक जो बोरा जो बनेगा, एक नग बनेगा, उसमें 360 पीस का आता है, या 720 पीस, एक बार में 720 पीस तक जा सकता है एक नग बनेगा। उसका खर्चा आप समझ लीजिए जो भी लगेगा वो आपको पे करना पड़ेगा, या अगर नज़दीक में मिलेगा तो जार वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर पन्नी में इस्तेमाल कर सकते हैं, पन्नी में पैक करके 24 पीस बेच सकते हैं। तो ये डब्बा में देने से क्या होता है ना, जार में देने से लुक मार्केट में बढ़ जाएगा। आप मार्केट में जब लेके जाएगा तो लगेगा ये ब्रांड कंपनी है, ठीक है। आपको यहाँ क्या करना है, सिर्फ टेप मार देना है। जैसे आपके पास अगर टेप होगा, जैसे इस प्रकार से मान लीजिए टेप ले लिए, ले लिया, इसको क्या किया यहाँ पर लपेट दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको ब्रांड बनाकर मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो हम ज़्यादा कुछ ना बोलेंगे, यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो कुछ अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो कुछ आपको मेहनत करना पड़ेगा और मार्केट में जाना पड़ेगा, ठीक है। और ज़्यादा हम कुछ ना बोलेंगे, सोचिए समझिए विचार कीजिए और बिजनेस को स्टार्ट कीजिए।